वाराणसी में मोदी से टकराने वाले अजय राय मोबरा में महाविकास आघाड़ी की एमएम वेली की सभा में गरजे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 16 नवंबर को मोबरा कोसा के मित्तल एमएम वेली परिसर में इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जितेंद्र रावाल की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। इस प्रचार की विशाल जनसभा में प्रमुख रूप से यहां वक्ता के तौर पर आए थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में प्रधान सेवक भाजपा के मुखिया नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले अजय राय। पिछले चुनाव में लगभग शुरू के 5-6 राउंड तो अजय राय ने बढ़त तक बना दी थी। बहरहाल अजय राय मुमरा आए और उन्होंने यहां पर इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जितेंद्र रावाण को लोगों से जिताने की अपील की। अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा, किस तरह से गरजे हैं अजय राय मुमरा आकर, सुनिए। जितेंद्र रावाण जीत कर पहुंचेगा। इंडिया गठबंधन शमीम खान। आज चुनावी सभा कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके जुझारू साथी भाई कन्हैया कुमार जी, मंच पर बैठे महागाड़ी के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्यारे भाइयों बहनों, छायाकार साथी, पत्रकार साथी, सम्मानित जन, हम सब लोग इस महाराष्ट्र के चुनाव में महागाड़ी के लिए आए हैं, जिसमें आपके यहाँ के मुंबरा के कैंडिडेट और आपके लोकप्रिय विधायक जितेंद्र जी हैं, उनके समर्थन में आज मुझे आने का अवसर मिला। मेरे महासचिव प्रदेश के हमारे खुर्शीद साहब हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पहुँचना है। समीम साहब यहाँ हैं, इन लोगों ने मुझे आपके बीच में आने का अवसर दिया। तमाम अभिवक्ता आपके सामने अपनी बात रखे, हमारी बच्चियों ने रखा और बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखा है आपसे। निश्चित तौर से हम सब लोग उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, जहां से आप बड़ी संख्या में यहां लोग उपस्थित हैं। मैं आकर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना पूरा उत्तर प्रदेश यहां भरा पड़ा हुआ है और बड़ी मेहनत और परिश्रम करके अपने परिवार को मजबूत करता है, यहाँ भी मजबूत है और अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने घर में भी मजबूती, यहाँ से पैसा भेजता है, ताकत लगाता है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम झुकने वाले नहीं, हम मेहनत और परिश्रम करके यहाँ आके सुदूर हजारों किलोमीटर दूर आकर अपने आप को ताकतवर बना के मेहनत दिन रात 24 घंटे में मेहनत करते हैं और मेहनत करके खटकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालते हैं। पर जो आज की स्थितियां हैं, जो सरकार चल रही है, जो सरकार लूट से, बेईमानी से बनी है, जो भ्रष्टाचार करके बनी है, जो आपके हक और अधिकार, जो आपका वोट था, जनता के वोट को खरीद कर वो बनी है, आज पूरी तरीके से उसको जवाब देने का समय है। ये इनको उखाड़ के फेंकने का समय है, ये एकजुटता का समय है, ये अपनी ताकत से उनको उखाड़ कर फेंकिए। सभी हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने आपके सामने आकर अपना आग्रह, निवेदन, आप सबसे गुजारिश किया। मैं उसी उत्तर प्रदेश के बनारस से आता हूं, काशी से आता हूं, जहां हमारी गंगा जमुनी तहजीब सदियों से बनी चली आ रही है। उस गंगा जमुनी तहजीब से मैं आता हूं, उसी मां गंगा के जल से हमारा हिंदू, हम सब लोग बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं और वही हम माँ गंगा के जल से हमारा मुस्लिम भाई वजू करता है, अपने अपनी भी पूजा करता, अपनी आराधना करता है।
उसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत तोड़ने का प्रयास किया, पर टूटने नहीं देंगे हम लोग, उसको बिखरने नहीं देंगे। आपको विश्वास दिलाने आए, मोदी जी की बात आई कि मोदी जी को 6 राउंड 7 राउंड पीछे किया, अब वो तो लड़ने का स्वभाव है हमारा, वो हमारे खून में है, वो हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है। दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती, डरने वाले लोग नहीं हैं। जैसा हमारे साथियों ने कहा कि यहाँ पे धमकाया जा रहा है कि 23 तारीख के बाद हमारी सरकार केंद्र में है, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको परेशान करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा कोई मोदी जी कुछ बिगाड़ नहीं पाए और न बिगाड़ पाएंगे, एक रोवा भी नहीं टेढ़ा कर पाएंगे। और पहली बार चुनाव नहीं लड़ा हूं उनसे, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा और 2024 भी लड़ा, और आगे आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2029 में उनकी विदाई कर हम बनारस की धरती से उनको गुजरात भेजेंगे। ये आपको विश्वास दिलाने हम आए। ये केवल झूठे लोग, फर्जी लोग, गुजरात के व्यापारी, ये झूठे लोग हैं जो पूरा का पूरा ये राजनीति को पूरा व्यापार बना दिया, पैसे के बल पर राजनीति करते हैं, पैसा बांटकर वोट लेते हैं, किसी सुख और दुख में पैसा नहीं खर्चा करते। चुनाव आ गया पर वोट पर वोट को खरीदारी करेंगे, उसे खरीदेंगे और सब लोग उसको खरीदने का काम करेंगे। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का पैसा है ले लेना, मैं आपसे कहूंगा, हमारे सभासद जी ने कहा कॉरपोरेटर ने कि ये पैसा आपका है, आपके पॉकेट से निकाल कर और आपको ही देकर आपका वोट खरीद रहे हैं, बिल्कुल ये पैसा रख लेना और इनको भगाना अपने घर से, क्योंकि आपके हक अधिकार का आप जो टैक्स देते हो वो पैसा ये वसूली करते हैं। निश्चित तौर से इनको जवाब देने का समय है। मैं आप सबसे यही आग्रह करने आया हूं कि पूरी ताकत के साथ पूरे महागाड़ी को, जितेंद्र जी को भारी मतों से चुनाव जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जहां हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर रहेंगे और निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। आप जो महाराष्ट्र से संदेश दोगे, आप महाराष्ट्र से जो चुनाव जिताकर यहाँ सरकार बनाओगे, पूरे हिंदुस्तान के राजनीति का परिदृश्य बदलने जा रहा है, पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर उठेगी और वो निश्चित तौर से आगे बढ़ रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।